तो हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। और भाई इसी के साथ हम आ गए आज और एक नए गेम प्ले लेके पबजी मोबाइल को ऑब्वियसली। और भाई आज का जो गेम प्ले है ये बहुत ही अच्छा गेम प्ले है, आखिर तक जरूर देखना। और मेरा जो तीनों टीममेट है ये एस पे है और मैं भी एस पे हूँ, तो भाई ये लॉबी है ना बहुत अच्छी है। और इसी के साथ हम आ गए आज जॉर्जपुल में, और ना जॉर्जपुल में कोई नहीं आया था, ठीक है। मैं जल्दी से लूट कर रहा था और लूट करके सोच रहा था कि भाई रोजोक चलेंगे, रोजोक जाके फाइट लेंगे। तो इतना में एक बॉट आता है और मेरा टीममेट भाई बॉट को पकड़ के मार देता है। ठीक है चलो कोई ना भाई, मैं लूट करता हूँ। और लूट करते करते भाई बंदे मिल जाता है, पता नहीं भाई कहाँ से आते हैं बंदे। मैं जब उतरा था ना कोई नहीं आया था, पता नहीं भाई कहाँ, मतलब कहाँ से आया बंदे। मार किया था ना भाई उतर। तो भाई यहाँ पे ना एक बंदा नहीं आता है, पूरा का पूरा खानदान ही आता है, एक फुल स्क्वाड आता है। और मेरे को पता भी नहीं होता है, मेरा टीममेट बोलता है कि उधर मार्क किया था, लेकिन मेरे को पता ही नहीं कि वहाँ पे बंदे आए थे। तो भाई जल्दी से मेरे को रिवाइव कर देता है। और उसके बाद जो मैं गुस्सा होता हूँ ना और इनको जो पकड़ के मारता हूँ भाई, भाई इनको फोड़ देता हूँ। और इसी तरह एक बॉट आता है भाई, बहुत दूर होता है भाई, बहुत कोशिश करने के बाद ना इको मतलब इसको AKM का हेडशॉट देके नॉक कर देता हूँ। और भाई बॉट को छोड़ देता है। और अब जो बंदे है सामने और इसमें से एक बंदे को मेरा टीममेट नॉक कर देता है, तो भाई अब 3 vs 1 बैटल है। क्योंकि देखो मेरा तीनों टीममेट को मैं एक भी किल नहीं ले दूंगा, सब किल तीनों का तीनों किल मैं लूंगा भाई। और यहाँ पे आप आखिरी बंदे बचे होते हैं और इसको ढूंढने के चक्कर में ना ये बंदा बेचारा आखिरी बंदे ना फंस गया था भाई। देखो इस आखिरी बंदे को ना हम चारों मिलके ऐसे घेरे थे, ये बंदा सोच रहा था कि जाए तो जाए कैसे, यहाँ से निकले तो निकले कैसे। भाई देखो भाई ये जो परेशान कर दिया ना भाई, इधर से उधर जा रहा है, मेरा गान का एमओ ही खत्म। इसको 3 एमओ में मतलब 3 गोली में मैंने मारा है भाई। और इस बेचारे के पास ना हेल्थ नहीं था, और इन मतलब ये फुल स्क्वाड के पास भी ज्यादा लूट नहीं था। मतलब मैं तो फिर भी लूट किया था भाई, फर्स्ट एड था मेरे पास, नॉक होने के बाद मैं फर्स्ट एड लगा लिया था एटलीस्ट। और ये लोगों के पास वो भी नहीं था, तो जल्दी से इनको मार दिया। और एक बॉट भी आता है भाई, इसको भी मार देते हैं। हालांकि भाई इतना दूर नहीं दिख रहा था मेरे को, मैं रेड डॉट लगा के मारा इसको लास्ट में। और उसके बाद भाई जॉर्जो सिटी में स्क्वाड आए थे, ठीक है एक फुल स्क्वाड आए थे, लेकिन भाई इस स्क्वाड में से ना 2 बंदे अलग ही खेल रहे थे। मतलब जॉर्जो सिटी में एक स्क्वाड आया था, उनमें से 2 बंदे का दिमाग में अलग ही चल रहा था कि 2 बंदों को ना जॉर्जो सिटी का जो रीच होता है वहाँ पे बैठा दिया था, वहाँ से मारने के लिए बोल रहा था। और 2 बंदे आ गए जॉर्जो के अंदर, मतलब भाई देखो। और हमने ना क्या किया भाई, कार लेके जो 2 बंदे अलग जॉर्जो सिटी मतलब सिटी के रीच पे होल्ड कर रहे थे उनके ऊपर पुश कर दिया। और वो लोग डर के मारे भाई घर पे घुस जाता है और उनको क्या ही पेलता हूँ भाई, मजा आ जाता है। मैं पेल के ना चकमा चूर कर देता हूँ। और जल्दी से ये 2 बंदे को रश करके ना हम चारों मिलके दोनों को रश करके इनको मार दिया। और भाई हाई लॉबी पे ना जब भी आप देखो कि भाई कोई स्क्वाड का एक बंदा 2 बंदा अलग करके फ्लैंक कर रहा है, अगर तुम्हारे पास मौका है उनके ऊपर रश करने का तो 4 बंदे मिलकर चढ़ जाओ उसके ऊपर। जो अलग होशियारी करेगा ना, जो जितना होशियारी करेगा उसको वैसा ही साझा देना चाहिए। मतलब जो अलग बिल्कुल अकेले फ्लैंक करने का सोचेगा ना, देखो इनका 2 बंदे इधर था तो हम चारों मिलकर 2 बंदों पर घुस गए। और वो 2 आने पर अभी बहुत टाइम लगेगा, तो देखो हमने ना इंतजार नहीं किया, हमने कार घुमा के बिल्कुल फिर से जॉर्जपुल पर आ गए, क्योंकि हमको पता था वो बंदे जॉर्जपुल पर है, दिख गया था हमको। तो भाई हम आ गए, हम उनको मार के इधर भी आ गए इनको मारने के लिए। अब इनका बारी है, इनका पेटी पुटी बना के हम इधर से भी निकल जाएंगे भाई। फिर जो गेम प्ले है ना भाई देखते रहो, मजा आ जाएगा।
और इसी के साथ जॉर्जो सीरी का आखिरी जो दो बंदे बच गए थे स्कॉट का, उस दो बंदे को मार देता हूँ। जॉर्जपुल में आ गया था लेकिन बेचारे को जाने नहीं दिया इधर से, ठीक है। तो भाई जो मैं बोल रहा था, देखो जॉर्जपुल का लड़ाई अभी खत्म हो गया है, अभी हम आ गए एक फ्लेयर पे बीच के पास, ठीक है, वो जोन छोटा हो गया था। तो भाई अब देखो, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि भाई हम ऐसे वीडियो ना डेली लाते रहते हैं। तो भाई जल्दी से इधर हम रश करेंगे, लेकिन उसके पहले भाई ये लोग ना, भाई ये लोग आंखों के सामने से सब कुछ सेव कर रहा था। देखो उनकी कार मेरी आंखों के सामने से सेव कर लिया, भाई बंदा जो था वो सेव चला गया, सब कवर ले लिया। लेकिन भाई मैं भी बड़ा ही ढीठ था, मैं स्मोक किया और मेरे टीममेट को बोला कि भाई घुस के पेलेंगे इनको, और इनको जो घुस के पेला ना भाई, अगर देख के मजा आया हो, और एक बंदे के पास ना नोटिस करना, एक बंदे के पास ओम होता है, गन होता है, सब कुछ होता है, वो फिर भी लेटा रहता है पता नहीं क्यों, क्योंकि भाई देखो मेरे को भी पता नहीं था, जो हुआ है ना आगे देखने को मिलेगा। ये बहन तो ये टिक करके बैठा हुआ है। तो भाई मैं इसी बंदे के बात कर रहा था, इसके पास AKM था, AWM था, फिर भी भाई बंदा लेटा था। मेरे को पहले समझ नहीं आ रहा था कि क्यों लेटा था, आखिरी में मेरे को पता चला कि भाई इसके सामने जो मतलब जो कंपाउंड है ना बीच के पास, बीच से आते ही, बीच मतलब बीच से जाते ही राइट साइड और बीच से आते ही लेफ्ट साइड, पता नहीं आते जाते में क्या लग रखा है, लेकिन मेरे को बोलने में बहुत मजा आता है। तो भाई देखो वहाँ पे बंदे थे, स्कॉट थे, ठीक है, इसलिए ये बंदा ना ना भाई खड़े हो पा रहा था, ना बैठ पा रहा था सन से, इसलिए ये बंदा ना लेटा ही रहेगा और इसको मार दिया आके। और भाई इसलिए देखते देखते ना हम जल्दी से मेरा स्मोक मतलब मेरा टीममेट स्मोक कर देता है, स्मोक टीममेट नहीं करते, और इधर आ गए और इनको मार देता है। मतलब इधर एक भी किल नहीं मेरे को नहीं आता भाई, बहुत शर्मिंदा की बात है। यहाँ पे मेरे को नॉक कर दिया जाता है, मेरा टीममेट यहाँ पे मेरे को बचा लेता है, इसलिए एक क्लिप ही मैंने काट दिया। भाई बेइज्जती होने से बहुत अच्छा है कि क्लिप क्यों ना काट दिया जाए। तो भाई एक क्लिप काट के ना हम निकल गए जोन के लिए, क्योंकि जोन बहुत छोटा हो गया था और आगे एक ड्रॉप भी गिरा था और आगे बंदे भी थे। और यहाँ पे दो बंदा ना पहले से फील्डिंग लगा के बैठा था ड्रॉप के लिए कि कोई आए तो सही, ड्रॉप में हम फोड़ देंगे, लेकिन इनको फोड़ने का मौका ही नहीं मिला। भाई मैं भाग के आ रहा था बिल्कुल बेशरमों की तरह, इधर से सिक्स भी मिल जाता है, लेकिन भाई मेरे को ना पता नहीं था कि अभी बंदे, वो बंदा भी देख नहीं पाया था शायद, नहीं तो भाई मैं ओपन से आ रहा था, मेरे को मार सकता था बहुत ईजिली। तो भाई क्या करें, अब किस्मत ही साथ नहीं है। तो और भाई जल्दी से हम आ गए ये कंपाउंड के पास, और भाई अब तीन ही बंदे बचे होते हैं पूरे सर्वर में, क्योंकि जॉर्जपुर ने जब से मेरे को नॉक किया गया था ना, उसके बाद से जो मैं गुस्सा हुआ और सबको मारता गया, भाई बंदे ही खत्म कर दिया मैंने, अब क्या करे बोलो, ऐसे मजाक कर रहा था। तो भाई इसके बाद बंदे होते हैं सामने रीच पे, मेरे को पता चल गया था, मेरा टीममेट बता दिया था, और सामने से गोली भी चल रहा था, और मैं इधर ऐसे मजाक कर रहा था। देखो भाई इधर ना मजाक मजाक में वो लोग ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, और मेरे टीममेट को देता है एक चाटा, और जैसे ही चाटा पड़ता है मैं समझ जाता हूँ कि भाई ये मजाक नहीं चल रहा है, वो लोग सीरियस हो गए, बहुत सीरियस। तो मैं जल्दी से स्मोक करता हूँ, और फिर भी डैमेज दे रहा था भाई। फिर उसके बाद भाई क्या होना था भाई, समझ गए आप लोग, उसके बाद समझ लो भाई क्या हो सकता है। तो भाई उसके बाद ना ये लोग हमसे भी दो कदम आगे निकल जाता है, हम सोचते रह जाते कि वो लोग अभी भी वो रीच पे है, और जोन भी छोटा हो गया था, वो लोग उधर जोन पे नहीं थे। तो ये लोग ना कार लेके फ्लैंक कर देते हैं हमारे ऊपर लेफ्ट से, लेफ्ट पे एक रीच था डाउन रीच, उधर से कवर लेके ये बहुत इजीली हमारे साथ फाइट ले सकते थे। लेकिन पता नहीं ये लोग क्या गलती कर दी है भाई, देखो सारे एक के बाद एक नॉक होता गए और मरता गए। तो भाई इधर मैंने तो पहले कवर ले लिया कार का, कि इधर से अगर कोई आए तो मैं फोड़ूंगा, और राइट पे मेरा सारे टीममेट को लगा दिया राइट पे, कि राइट से कोई आए तो तुम देख लेना। भाई क्या करे, जब किस्मत ही खराब हो, लेफ्ट से कोई नहीं आया, सारे राइट से आ रहा है,
हालांकि भाई आखिरी में एक किल मिला है मेरे को। और इसी के साथ आज का चिकन डिनर विनर विनर चिकन डिनर भाई हमको मिल गया है। तो भाई ये गेम में ना बहुत भाई हटके किल किया था, जब से मेरा दिमाग हट गया था ना तब से मैं भाई हटके ही मार रहा था सबको। तो भाई अगर अच्छे लगे वीडियो को तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय।